कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दिल्ली के कैथोलिक चर्च के मुख्य पादरी अनिल कोटो ने दिल्ली के दूसरे पादरियों को एक खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि देश की सियासी स्थिति अशांत है, ऐसे में 2019 में होने वाले आम चुनावों के लिए भारत में रहने वाले कैथोलिक्स को प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शुक्रवार के दिन उपवास रखने की अपील भी लोगों से की है। हालांकि चिट्ठी पर विवाद के बाद सफाई भी आई है, जिसमें कहा गया है कि हर चुनाव से पहले इस तरह की प्रार्थना की जाती है, इस बार कुछ नया नहीं है। तो आर्कबिशप की चिट्ठी पर तूफान मच रहा था, लेकिन अब देखना यह है कि इस सफाई के बाद क्या यह तूफान थमता है या नहीं। सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं है इसमें, ना ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ है। जैसे कि कुछ चैनलों ने इसे दिखाया है कि प्रधानमंत्री वर्सेस आर्चबिशप, प्रधानमंत्री केवल उस चैनल वालों के नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, आर्चबिशप साहब के माननीय प्रधानमंत्री हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये बात कहना कि प्रधानमंत्री वर्सेस आर्चबिशप स्वामी, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से लोगों के बीच में गलत संदेश, गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम तो इतने ही कह सकते हैं कि उन तमाम लोगों को जो लोग की प्रिजुडिस माइंडसेट से सोचते हैं, वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट से सोचे, यही हम कह सकते हैं, यही दुआ कर सकते हैं, यही आमीन है हमारी। देखिए, फास्ट रखना, प्रेयर करना, ये उनका जाति मामला है, लेकिन जहां तक सेकुलर फैब्रिक की बात है देश की, इस पर तो एक आम आदमी की आज राय यही है कि जिस तरह की सरकार चल रही है और जिस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं, उससे बाकायदा माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है।